हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके YouTube चैनल स्टडी 91 एजुकेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का मैथ और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 से स्टार्ट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और समाकलन में। और समाकलन का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x अपॉन में दे रखा है 1+x² और dx दे रखा है। देखो इसे कैसे करेंगे, देखो आपको ऊपर से 2x और dx को निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, इस वाले नंबर को मान लेंगे। माना 1+x² बराबर कितना मान लिया t, 1+x² बराबर क्या मान लिया t। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। देखो अवकलन करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 2x, यानी पावर कम आ जाती आगे, यानी 2x और dx बराबर कितना आ जाएगा dt। देखो ये dx की dx कौन से आ गया वो मैं बता दे रहा हूं आपको। जब t का अवकलन करेंगे तो आपके पास होता है dt अपॉन हो जाएगा dx, तो dx का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आ गया 2x और dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो मैं इसी तरीके से हर क्वेश्चन में करेंगे, आपको यहीं से समझ लेना dx को मैं क्या कर रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो अब देखो ऊपर चाहिए 2x और dx, देखो 2x और dx की जगह पे कितना है dt है, कल ऊपर कितना लिख देंगे यहाँ पे dt, तो आ जाएगा फाइनली आपके पास dt अपॉन में इस वाले की जगह पे कितना आ जाएगा ओनली t। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो मैंने वन मान लिया, कोई सवाल पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1/t आपको पता है, अगर जो आपने सही से फॉर्मूले आपको याद होंगे तो 1/t क्या होता है log t, log t प्लस समाकलन में क्या करते c को जोड़ देते हैं, log t की वैल्यू कितनी रखी है आपके पास 1+x² प्लस कितना जोड़ देंगे c, यही आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद समझ में आ गया हो। हाँ बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी वीडियो टाइम टाइम पे आता रहेगा बच्चों, आपका सपोर्ट तो सबका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में देखो कहा गया है आपसे log x अपॉन में x और इस पर पावर दे रखा है 2, समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे और लिख देंगे dx। देखो अब क्या करेंगे, इसे भी मान के ही सॉल्व करना है मुझे, log x की जगह पर क्या मान लेंगे, माना log x बराबर क्या मान लेंगे t। देखो log x का आकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, 1/x। अभी मैंने बताया था dx का मतलब dt अपॉन कितना आ जाएगा dx, dx का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dx बराबर कितना आ गया dt। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको क्या करना है, 1/x dx बराबर कितना दे रखा है dt दे रखा है। देखो ऊपर कितना दे रखा है dx, मैं यहाँ पे अगर जो 1 भी मान ले, 1/x और dx लिखा है, 1/x और dx लिखा है, इसकी जगह पे ओनली क्या रखना है तुम्हें dt लिख देना है ऊपर। और देखो log x की जगह पे कितना लिखना है आपको, केवल t लिखना है, इसका पावर कितना रखा है तो 2 कर देंगे यहाँ पे, log x की जगह पे कितना आ जाएगा t, इसका पावर कितने हुए 2 और इस वाले की जगह पे कितना आ जाएगा ओनली dt। आप देखते हैं इधर करते हैं तो t का समाकलन करेंगे, समाकलन के मतलब ये होता है कि वैल्यू पावर एक ऐड हो जाती है उसमें, तो इसमें जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर कम आ जाती है बाद में नीचे। देखो t पे पावर कितना आ जाएगा 3 अपॉन कितने हुए 3 और प्लस क्या जोड़ देंगे c, t की वैल्यू आपने कितनी मान रखी थी यहाँ पे, t बराबर मान रखा था log x, t की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पे log x, log x इसमें पावर कितनी है 3 और प्लस कितना जोड़ देंगे c, तो 1/3 को मैंने आगे लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, हो सकता है x पर भी क्यों हो तुम्हारे पास, तो इसे आंसर फाइनली 1/3 log x इस पर पावर 3 प्लस c हो जाएगा आंसर फाइनली। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या रखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रखा है 1/
एक्स प्लस एक्स लॉग एन, और यहाँ पे कितना है डीएक्स। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। आपको भी बच्चों यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी, नीचे एक्स एक्स ही नजर आ रहा है सब में। जब इतनी एक्स आ रही तो मैं एक्स को क्या कर रहा है, एक को मैं कॉमन ले रहा है यहाँ से, नीचे से देखो एक्स को मैंने बाहर निकाल ले रहे, एक एक्स को मैं बाहर निकालेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा वन बचेगा। जब यहाँ पे वन बचेगा तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा केवल लॉग एक्स ब्रैकेट में, इसके बाद आ जाएगा डीएक्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब मान रही वन प्लस लॉग एक्स की जगह पे क्या मान लेगी टी, माना वन प्लस लॉग एक्स बराबर कितना मान लिया टी। देखो वन का समाकलन अवकलन करेंगे सॉरी कितना हो जाएगा जीरो, लॉग एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स डीएक्स बराबर कितना आ गया डी टी। देखो डीएक्स दे रखा वन अपॉन एक्स, देखो डीएक्स से रखा वन अपॉन एक्स, इस वाले पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा ओनली डी टी। देखो ये दे रखा डीएक्स वन अपॉन एक्स मान लेंगे वन अपॉन एक्स, और डीएक्स बराबर कितना रख देंगे ओनली डी टी रखेंगे, ऊपर आ जाएगा केवल, देखो इस वाले की जगह पे ऊपर आ गया केवल ओनली फाइनली डी टी। नीचे देखो नीचे कितना वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स बराबर क्या माना है मैंने केवल टी, तो यहाँ पे कितना आ गया टी, और आपको पता है वन मान लेंगे वन अपॉन टी क्या हो जाएगा लॉग टी, साइज आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप फॉर्मूलों को याद कर लो, वन अपॉन टी क्या होता है फॉर्मूला लॉग टी, और प्लस क्या जोड़ दोगे प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू कितनी मान रखी आपने वन प्लस लॉग एक्स, टी की जगह पे आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का यही आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों जैसे कि वीडियो शायद आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक आप पहुंच सके। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखे हैं, फोर में दे रखा है साइन एक्स साइन एक्स साइन कॉस एक्स ये रखा है, इतना दे रखा है। देखो इसे बच्चों करना क्या है, इसमें एक चीज को मैं मान लेंगे, मानने के बाद फिर आकलन करना है मुझे, तो देखते हैं फाइनली क्या करेंगे। मैं मान लेंगे कॉस एक्स बराबर माना कॉस एक्स बराबर कितना मान लिया टी, कॉस एक्स बराबर कितना मान लिया टी, कॉस एक्स का आकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा डी। देखो आपका साइन एक्स भी आ गया, देखो साइन एक्स आ गया डीएक्स भी आ गया, लेकिन माइनस से फालतू का माइनस का क्या कर रहे हैं डिवाइड में भेजा दे रहे, यहाँ पे साइन एक्स डीएक्स बराबर माइनस का आ गया डी। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो क्या करेंगे, जब यहाँ पे आ गई साइन एक्स डीएक्स बराबर कितना आ गया माइनस का डी आ गया, जब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं तो अब हम क्या कर रहे हैं यहां से ये रखा है साइन एक्स और डीएक्स, देखो साइन एक्स और देखो ये रखा है साइन एक्स, ये साइन एक्स रखा है आपका, देखो मैं बता रही ये आपका दे रखा है साइन एक्स, ये साइन एक्स और ये क्या दे रखा है आपका डीएक्स दे रखा है। साइन एक्स और डीएक्स की जगह पे मैं कितना लिख देंगे मैथ्स का ओनली डी टी लिखेंगे, इसकी जगह पे मैं कितना लिख देंगे मैथ्स का डी टी, जब मैथ्स का डी टी लिखेंगे देखो साइन बचा तुम्हारे पास और साइन की जगह पे साइन ही लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे देखो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा साइन, देखो साइन कॉस एक्स की जगह पर क्या माना केवल तुमने टी कॉस टी, और देखो साइन एक्स साइन एक्स और डीएक्स की जगह पर कितना आ जाएगा ओनली तुम्हारे पास माइनस, माइनस का चिन्ह मैंने बाहर निकाल लिया कितना आ जाएगा डी टी। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो देखते हैं आगे करते हैं आगे। देखो माइनस का चिन्ह में वैसा ही रहने देंगे माइनस चिन्ह, अब देखो साइन टी, साइन टी को अगर जो समाकलन करेंगे तो होता है माइनस का कॉस टी, साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस टी, यहां पे आ जाएगा माइनस का कॉस टी
समाकलन ही कर दिया तो कॉस पी आ जाएगा और प्लस का कितना जोड़ देंगे सी, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा, प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा केवल कॉस टी प्लस सी। देखो टी की वैल्यू कितनी मान रखी थी कॉस एक्स, तो यहां पर लिखेंगे कॉस ब्रैकेट मान देगा कॉस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का बच्चों यही आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो पीछे भी तो शायद मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में देखो क्या दे रखा है और क्वेश्चन नंबर फाइव देखा जाए बहुत अच्छा भी है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला तो मैं करा दे रहे इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फाइव में दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, दूसरा दे रखा है कॉस, दूसरे में दे रखा है कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस और बाद में जोड़ देंगे डी एक्स, इतना दे रखा है आपके पास। इसे मुझे सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो एक ही तरीका यूज करेंगे इस वाले में, कौन सी भी एक वैल्यू मान लेंगे। देखो मैं बच्चों बता दे रही, हो सकता है आपका आंसर मैच भी कर जाए और आंसर हो सकता है मैच भी ना करे, क्यों नहीं करेगा, मैं इसलिए बता रहे तुम्हारे पास एक चीज, अगर तुमने कॉस को माना तो हो सकता है आंसर तुम्हारे पास दूसरे में दे रखा हो, अगर तुम्हारे पास मैच नहीं कर रहा है तो आप दूसरी वैल्यू इस वाले को मान लेना तो आपका आंसर इधर वाले में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेना तुम्हें, तो इस वाले को मैं मानते माना, हो सकता है ऐसे माने तो आपकी ये वाली वैल्यू में मैच कर जाए, माना माना कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लिया ए, इसे मानेंगे, इस वाले को क्या मान लेंगे भैया जेड मान लेंगे पूरी तरीके से, जेड मानेंगे, देखो कॉस जेड का अगर जो समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास साइन जेड आ जाएगा, तुम्हारे पास कॉस जेड का कितना हो जाएगा साइन जेड, अरे सॉरी कॉस का क्या होता है आकलन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास मैथ का साइन जेड, और जेड की वैल्यू कितनी मान रखी है तुम लोगों ने, ये मान रखी ए एक्स प्लस बी। देखो आप क्या करेंगे, जो माना होता है उसका भी मैं आकलन कर देते हैं, माना क्या तुमने इसी को जेड माना तो मैंने सीधी वैल्यू लिख दी, लेकिन इसका आकलन करेंगे फिर भी, और बी का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ए का कितना केवल ओनली फाइनली क्या हो जाएगा ए, और कितना आ जाएगा डी टी, और इधर आ जाएगा डी एक्स, और आपको ऊपर क्या चाहिए साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या चाहिए दोगे आपको, ए का जरूरत है नहीं तो ए का डिवाइड में तो साइन ए एक्स प्लस बी, इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का डी टी अपॉन में कितना आ गया ए। अच्छा मैंने आपसे बता दिया आंसर में, हो सकता है अगर जो तुम्हें ना भी नजर आए तो क्या करना, इस वाली वैल्यू को मान लेना, वो वाला आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो देखो करते हैं आगे, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, देखो साइन ए एक्स प्लस बी देखते हैं, देखो कैसे करते हैं, ये लिखा साइन ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा आपका डी एक्स, तो इस वाले पूरे की जगह पे देखो यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका डी एक्स ये वाला, तो डी एक्स, तो इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन ए आ जाएगा आपका, तो यहां पे लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, तो पहले इसे लिख लो कॉस कॉस ए एक्स, इसकी जगह पे कितना आ गया टी, इस पूरी की जगह पे कितना आ गया माइनस का बारह पॉन ए को मैंने क्या कर लिया वाई, क्या बचा ओनली डी टी, इतना ही बचेगा, तो माइनस का वन अप यहां पे लिखे दे रहे माइनस का वन अपॉन ए अट्टी टी का, अगर जो मैं समाकलन करेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा एक पावर में, वैसे मान लिया यहाँ पे वन मान लिया मैंने, तो वन का समाकलन करेंगे तो टी पे पावर आ जाएगा टू अपॉन टू प्लस सी। देखो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आपको टी की वैल्यू दे रखी है कॉस ए एक्स प्लस बी का,
माइनस का वन अपॉन कितना हो जाएगा टू ए इंटू टी की वैल्यू दे रखी कॉस ए एक्स प्लस बी और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर होल स्क्वायर कर दोगे प्लस सी कर दोगे। देखो आप क्या करोगे तुम लोग इस पे पूरे पे नहीं करोगे, तुम्हारे पास स्क्वायर का जो करना चाह रहे तो कर भी सकते हो, तुम्हारे पास चाहे इस पे कर देना, फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। बस इसी को आपको करना था क्वेश्चन नंबर। देखते हो बच्चों एक स्टेप और यहां से आगे बढ़ा ले रहे हैं, तो मैथ्स का वन पॉइंट टू ए। अब इस टू को मैं कहां लेकर के आ रहे, आगे लेकर के आ रहे, जब टू को आगे लेकर के आएगी तो ऊपर टू हो जाएगा तुम्हारे पास, तो इसमें पावर पूरे पे कर नहीं सकते, तो यहां पे लिखेंगे टू कॉस, टू कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा सी। लेकिन मैं बच्चों बता दे रहे आंसर में देखा जाए यहाँ पे उन्होंने फोर कर दिया गया है, तो जिस तरीके से फोर तो ये अगर जो स्क्वायर अगर जो हटा रहे तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर जो वन यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे एक तरीके से टू और दो का मल्टीप्लाई कर रहे, दो का डिवाइड कर रहे, तो वो आंसर आपका फोर निकाल रहा है यहाँ पे, जो अगर जो आंसर करेंगे वन अपॉन फोर ए इंटू टू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसे जो आ जाएगा आपका मैथ्स का वन अपॉन फोर ए टू कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस क्या जोड़ दोगे सी। तो आपको कुछ नहीं आता तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे आपका फाइनली जो आंसर हो जाएगा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो आप सीधा सा वहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है कहते